नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के संभाषा के सत्र में आज एक केस मैंने देखी थी और इसी को लेकर आज का ये टॉपिक हमने डिस्कस करने को यहाँ पर रखा है। टिनिया पेल्स आयुर्वेद में एक इन्फेक्शियस डिसीज के रूप में, औपसर्गिक रूप के रूप रोग के रूप में या क्षुद्र रोग के रूप में, ददरु के रूप में इसका वर्णन किया गया है। टिनिया पेडिस इट इज अ फंगल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ कैंडिडाइटिस। इसको अनादर नेम फॉर दिस टिनिया पेडिस ये है एथलीट्स फुट। अभी एथलीट्स फुट यही नाम इसको क्यों दिया गया है? मोस्ट कॉमनली जैसे कि देखिए, मेरे विचार से हम लोग हमारे चेहरे की बहुत केयर करते हैं, बॉडी की केयर करते हैं, बट बहुत कम लोग होंगे जो अपनी पैरों की भी प्रॉपर केयर यानी देखभाल करते हैं। और बिल्कुल यही कारण है कि जब कोई भी कीटाणु या फंगस आपके पैरों पर चढ़ जाते हैं या पैरों पर जम जाते हैं, और इसी कारण से अगर पैरों में खुजली ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स इन योर टोट्स, आपके अंगुष्ठ यानी पैर के अंगुलियों के बीच में खुजली और सफेद एक ऐसे इसके जैसे निकलता है, कोंडा के जैसे निकलता है, और फिर वहां पे ऐसे स्केल्स भी आ जाते हैं, और इसी प्रकार से ये धीरे धीरे फिर पूरे पैर को ये हो जाता है। तो इसीलिए इसको एथलीट्स फुट कहा। एथलीट्स फुट कहने का मतलब एक और भी है कि जो लोग हमेशा अपने पैरों को ढककर रखते हैं, और फिर जो ज्यादा स्वेटिंग अगर होती है या फिर वार्म एक प्रकार से हमेशा गर्मी या हमेशा ठंडा या मॉइस्चर के कारण ठीक से उसको जैसे कि हर हमारे शरीर अवयवों को एक टाइप में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, एक टाइप में तेज महाबुद्ध की भी आवश्यकता होती है, थोड़ा सा एक नेचुरल जो सनरेज है इसकी भी आवश्यकता होती है। अगर ये कभी नहीं मिल पाते हैं और ड्यू टू एक्सेस स्वेटिंग, और जो लोग हमेशा 24/7 शूज या सॉक्स पहनते हैं, इनमें भी ये ज्यादा होने की संभावना है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है एथलीट्स फुट। तो इस प्रकार से इसके और कुछ कारण है क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंटली मेरे विचार से इसका जो कारण दिया है वही है कि ये एक टिनिया पेडिस नाम का इन्फेक्शन है, और टिपिकली ये फंगल डिसीज है, फंगल इन्फेक्शन इसमें खास करके होता है। जो लोग ज्यादा फिर पैदल चलते हैं, बेयर फूट चलते हैं, और बहुत ज्यादा स्विमिंग पूल्स पर भी रहते हो या शावर्स लेते हो डेली ऐसे इसमें, या फिर जैसे कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट आ गया, एनी टाइप लाइक सॉक्स शूज या टॉबल्स के साथ बहुत टाइट, और हमेशा अंगूठे को ढककर रखना ये भी इसका कारण है, और ज्यादा गीले पैरों को रखना, प्रॉपर पैरों की केयर में ऐसे भी बताया गया है कि जब हम लोग नहाते हैं या आप जैसे भी किसी भी कारण से अगर आपके पैरों का संपर्क बहुत लंबे समय तक पानी से होता है तो इसके बाद आपको अच्छे से उसको वाइप ऑफ करना पड़ेगा। स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती होगी या फिर कभी कुछ नाखून को लगा होगा, तो यही इन्फेक्शन आगे चलकर इस प्रकार के रिक्स को एथलीट्स फुट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें लक्षण के रूप में इचिंग तो होता ही है, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होता है, फिर क्रैकिंग, स्किन पीलिंग, ड्राई स्किलिंग, और सोल्स भी ड्राई हो जाते हैं, डिसकलर आ जाता है, थिक और क्रम्बल एक टाइप के उसके जो नेल्स होते हैं वो बन जाते हैं, कभी कभी नेल जो है वो बेड से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम ये कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ये एथलीट्स फुट ही है क्या, इसका डायग्नोसिस कैसे करें? इसमें जो स्किन लेजन है इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एग्जामिनेशन करके जो कॉमन टेस्ट है एथलीट्स फुट के लिए, आप इसको क्या करना है कि आपको आपके अंगूठे का एक छोटा सा स्मॉल एरिया स्क्रैप करना है इन्फेक्टेड स्किन का, और इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डालिएगा, और इस प्रकार से जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें फंगल सेल दिखने लग जाते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर भी ये करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडर्न मेडिसिन तो इसमें एंटीफंगल मेडिकेशन, एंटी इंफ्लामेटरी, पेन किलर, कुछ ये जो होते हैं ना बैक्टीरियासाइडल और फंगीसाइडल जो क्रीम्स होते हैं, जेल्स होते हैं, इनका प्रयोग करके ही इसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, माइल्ड कॉम्प्लिकेशन ही होते हैं लाइक एलर्जिक या
कुछ इस प्रकार से कि फंगस को एलर्जी हो जाती है, बट बड़े कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और इट इज ट्रीटेबल, इट इज नॉट फेटल, और इसके तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं है कि कैसे मतलब आगे कुछ होगा क्या। बट जैसे कि आयुर्वेद में इसको कैसे देखा जाए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये एक त्वकगत दृष्टि है और इसमें निश्चित रूप से आप इसको औपसर्गिक रोग कह सकते हो या आप इसको ददरु के रूप से भी इसको बताया है, यानी इट इज अ टाइप ऑफ टीनिया पेडिस, इट इज अ टाइप ऑफ डिसीज जो आप कृमिग्न भी व्याधि कह सकते हो, इसको डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा गया है। आचार्य चरक सुश्रुत में जो क्षुद्र रोगों का त्वचा के विकारों का वर्णन किया है इसमें उन्होंने इस प्रकार से ये ददरु को रिंगवर्म या डर्मोफाइटोसिस या टीनिया, टीनिया इन्फेक्शन ये स्किन में कहीं पर भी हो सकता है, इट मे बी इन द स्काल्प, वजाइनल कैंडिडेटस भी एक अलग कैटेगरी है जिसको हमने कई बार डिस्कस किया है एंड इट इज ऑल्सो ट्रीटेबल, बट ये डर्मेटोफाइटोसिस टीनिया और रिंगवर्म या ये जो सारी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये भी एक टाइप का वही ये इन्फेक्शन है। कभी कभी ये नाखून में भी हो जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द इट कैन अफेक्ट वेरियस एरियाज लाइक बॉडी, स्काल्प, नेक, फेस, बियर्ड, कभी कभी बटक्स पर भी होता है, फिट पर होता है, बट फिट पर बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि जो लोग हमेशा बिना चप्पल के बेयर फूट घूमते हैं, खेतों में काम करते हैं, पानी में ज्यादा, फिर जिनको स्वेटिंग भी होती है इनके साथ, या जिनको देखिए फंगल इन्फेक्शन किन लोगों में ज्यादा होगा, ऑफकोर्स जिनमें इम्यूनिटी कम है, यानी जो पुअर न्यूट्रिशन है या फिर माल नरिश्ड जो है, जिनको बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी या ऐसे एरियाज में रहना पड़ता है जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, ऐसे लोगों में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो लोग हमेशा से स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, बहुत ज्यादा गीली रखते हैं, स्वेटिंग ज्यादा होती है, कुछ लोगों में डायबिटीज के साथ भी बहुत ही यूजुअली देखा जाता है, डायबिटिक पीपल आर मोर प्रोन टू स्किन डिजीज, और जो लोग कुछ एंटी स्टीरॉइड्स भी ले रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी लेते हैं, तो उनमें भी ये फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद में ददरु के कारण क्या, बिल्कुल इसमें वही कारण है जो त्वचा रोगों के आम कारण है, लाइक विरुद्ध आहार, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, बहुत ज्यादा मछली मांस का सेवन करना, गुरु पदार्थों का सेवन करना, और गुरु पदार्थों में उड़द की दाल आती है निश्चित रूप से, दही, दूध, खट्टा दही खाना, ये भी एक प्रकार से ये है, एंड बिल्कुल इस प्रकार से ही ये आपका फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कैंडिडाइटिस ईस्ट इन्फेक्शन, और खास करके जैसे मैंने ये सारी पैथोलॉजी इसमें बताई है। तो एथलीट्स फूड के बारे में हम लोग खास आज डिस्कस कर रहे हैं, ये एथलीट्स में होता है, खास करके अडल्ट मेल्स में ज्यादा होता है बिकॉज दे आर लाइक ऑल टाइम वियरिंग शूज एंड गोइंग ट्रेवलिंग फॉर ऑफिस लॉन्ग 8 to 10 hours, 12 घंटे भी कभी कभी ये शूज और सॉक्स के साथ रहते हैं। वैसे महिलाओं में ये डिसीज कम होता है बिकॉज महिलाएं वैसे शूज का जो उपयोग है बहुत थोड़ा कम करती है, मेरा ऐसा विचार है, ठंडी के दिनों में ज्यादा करती है, बाकी यूजुअल लेवल पर बहुत ज्यादा ये यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा ये इन्फेक्शन बहुत कम दिखा जाता है, और अनहाइजीनिक कंडीशन भी है। अभी इसमें कैसे विचार करें, देखिए इसमें ये तो क्लासिकली अगर विचार करना, ये अगर आप इसको ददरू मानते हैं एंड इट इज ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ कफ एंड पित्त, ये कफज व्याधि ही है। सारे ददरू की कैटेगरीज को अगर देखेंगे तो इसमें आचार्य ने खास बताया है कि मधुर रस का सेवन और बाकी सारे जो हेतु है विरुद्ध अन्न, दूध, दही, इन सबका सेवन, ये सारे हेतु आपको यहाँ पर इसके मिल जाते हैं। इसके साथ जो बाकी ददरू के प्रकार है, यानी इसमें सभी में भी यही हेतु है जिसमें कफज विकार है, एक्चुअली ददरु इज अ कफज विकार, तो कफज विकार के लिए क्लासिकल वमन तो बेस्ट ही रहेगा, बट ऐसे होता है ना कि इतने छोटे से व्याधि के लिए वमन करने के लिए पेशेंट रेडी नहीं होता है। आप सदैव वमन करिए, जैसे अकंठ पान गर्म पानी में नमक डालकर, फिर इसमें इम्पॉर्टेंट है क्लीनलीनेस एंड केयर फॉर योर फूड, तो इसके साथ क्लींजिंग करना तो सुपर इन्फेक्शन भी अवॉइड रहेंगे, वॉशिंग विथ त्रिफला काढ़ा, वॉशिंग विथ हरिद्रा वाटर, वॉशिंग विथ त्रिकटू, नीम, इन सभी के पत्तों को लेकर भी आप काढ़ा या पानी में डालकर इसके साथ धावन करते हैं तो काफी सुंदर रिजल्ट आपको मिलेंगे। टीनिया इन्फेक्शन के लिए धावन या बाकी जो भी हर्ब्स हम लोग यूज करेंगे, इसमें कौन से हर्ब का बहुत अच्छा रोल होता है, एक तेल मैंने पढ़ाया था तुवरक तेल करके आता हूँ, तुवरक तेल, या इसको मुझे लगता है चाल मोगरा का तेल भी कहते हैं कुछ यूपी साइड, चाल मोगरा है, तुवरक तेल,
तो ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तुवरक जो पित्त प्रकोपच व्याधि में, और तुवरक ये डायबिटीज के लिए भी काफी अच्छा ये होता है, मेडिसिन होता है, तो इसमें आप तुवरक एक अच्छा रिजल्ट देगा, तुवरक ऑयल का एप्लीकेशन। इसके साथ हमारे पास जात्यादि तेल होता है, इसको भी आप लगा सकते हो। नीम की वटी कैशोर गुगुल आरोग्य वर्धिनी, इसमें रस पाचक करिए पेशेंट का, आरोग्य वर्धिनी रस पाचन। और अगर फ्रिक्वेंटली, और मेरे विचार से अगर कोई पेशेंट बताता है कि हिस्ट्री में डायबिटीज वगैरह है, तो इसमें थोड़ा पंचकर्म करने के ऊपर आप पेशेंट को कन्विंस करिएगा। आज मेरे पास जो पेशेंट आई थी उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। आज मेरे पास 20 साल की एक लड़की आई थी, उसको जस्ट स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा, तो इस हिस्ट्री में ऐसे था कि वो बहुत ज्यादा कुछ उपवास करती है, फास्टिंग करती है, और बहुत ज्यादा नियमों का पालन भी करती है, और कई बार कुछ इसके लिए मनोकामना के लिए वो बेयर फूड भी चलती है, और पुअर न्यूट्रिशन था उसका, बाकी मेंसेस वगैरह तो रेगुलर थे उसको, बट हाँ उसने ये बताया कि उसको बीच बीच में कभी एक दो बार स्वेट मतलब इस प्रकार से श्वेत पदर के लक्षण मिले थे, उसको थोड़ी स्वेटिंग की भी शिकायत थी, उसको घाम ज्यादा आता है, और एक दो बार उसको वजाइनल इन्फेक्शन भी हुआ था। बस बाकी तो हेतु में कुछ खास ऐसे हेतु नहीं मिले थे उसको, ये था कि थोड़ी खट्टी चीजें खाने की आदत थी, तो उसको तो हमें अवॉइड करने को बताना था, तो वो मैंने बता दिया। इसमें मैंने सिंपली उसको रस पाचक वटी दी है अभी, एंड आरोग्य वर्धिनी दिया है, तो त्रिफला काढ़ा सिंपल एक रेमेडी के रूप में उसको दिन में 3 से 4 बार त्रिफला के काढ़े से उसको धावन करने को बताया है, और जैसे एंटीबायोटिक के रूप में सूक्ष्म त्रिफला, तो इतना ही दिया है क्योंकि जस्ट एक या दो इसमें ही था उसको, 5 और थोड़ा सा व्हाइटिश और खुजली हो रही थी, तो लाइक व्हाइटिश लगा करके वो आई थी। तो इस प्रकार से अभी आप जैसे भी केसेस होते हैं उस प्रकार से उसमें आप प्लान कर सकते हो। इसमें जैसे रस पाचन करे, रक्त पाचन भी दे सकते हो साथ में, और इसके साथ साथ नीम वटी जरूर दीजिएगा, नीम का, करवीर का, दारू हरिद्रा, हरिद्रा कैप्सूल भी मिलती उसका भी यूज कर सकते हैं। पेशेंट में अगर सूजन या कहीं पर बर्निंग सेंसेशन अगर मिले, तो अभिपत्तिकर चूर्ण जैसे नित्य विरेचन वाले द्रव्य कल्प 5 दिन 7 दिन के लिए भी आप दे सकते हो। इसमें एक और मैंने थोड़ा अभी आज के लिए तो मैंने नहीं दिया, बट नेक्स्ट टाइम पे आएगी पेशेंट तो उसको मैं जरूर इसमें कृमिघ्नि चिकित्सा भी एडवाइस करूंगी। कृमिकुठा रस भी हमें देना चाहिए, तो कृमिकुठा रस दीजिएगा, जैसे ये एक कृमि व्याधि भी है तो इसमें आप दे सकते हो। इसमें एक और अद्भुत काम करने वाला, जहां पे आपको मतलब पूरा पैर उसका फट गया जैसे हो गया होगा, तो वहां पे आप गंधक ध्रुति, गंधक हरताल और तुत्थ, इन तीनों को मिलाकर बेस्ट ये रेमिडी है, और बेस्ट मतलब गंधक त्वचा रोगों के लिए बेस्ट ही होता है, तो आप इसमें गंधक रसायन का भी ऐड कर सकते हो 2 BD के रूप में, या फिर गंधक ध्रुति मिलती है इसको वहां पे लगाने के लिए भी दे सकते हो। गंधक हरताल और तुत्थ ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्किन डिसीजेस में, कहीं पर भी आप ददरू वगैरह की व्याधि में इसका यूज कर सकते हो। और इचिंग के लिए गंधक बेस्ट काम करता है, टैबलेट में भी मिल जाता है, पाउडर में भी मिल जाता है। पाउडर में मिले तो थोड़ा सा क्या करिएगा, इसमें नारियल तेल डालिएगा, गंधक रसायन की पाउडर भी मिलती है, तो इसमें नारियल तेल नारियल तेल इज द बेस्ट रेमेडी फॉर सच टाइप ऑफ कंडीशन। इसमें आप जरूर इसको डालिएगा नारियल तेल थोड़ा सा लगाकर, और फिर लगा दीजिएगा एप्लीकेशन, गंधक रसायन भी लगा सकते हैं नारियल तेल डालकर, या गंधक भी लगा सकते हैं। आरोग्य वर्धिनी वटी तो देनी ही हमें, स्किन डिसीजेस में बहुत अच्छा रोल होता है, रस का पाचन और तत्वों का अवरोध भी दूर होता है। इसमें महामंजिष्ठ आदि कषाय भी बेस्ट होता है, अर्गवत सिंपल अर्गवत का काढ़ा, अर्गवत और आप त्रिफला मिलाकर या नीम मिलाकर ऐसे भी काढ़ा दे सकते हो। हरिद्रा खंड वाइडली यूज किया जाता है, हरिद्रा आप जिस भी रूप में चाहे इसमें जरूर यूज करें। अगर बहुत ही एक क्रॉनिसिटी भी है एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स अगर मिलते हैं, तो इसमें हम थोड़े रसकल्प के साथ भी जा सकते हैं, जैसे रसमाणिक्य है एक, और आप इसमें जरूर ऐड करें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तिक्त रस, पंचतिक्त गुगुल, महातिक्त कषाय, या तिक्त रस वाले जो भी गुगुल तिक्त कषाय भी आता है जो इन्फ्लामेशन अगर हो, तो पंचतिक्त गुगुल त्वचा विकार के लिए बेस्ट है, महातिक्त भी या महामंजिष्ठ आदि का भी अच्छा रोल होता है, वो भी आप दे सकते हैं। अगर पेशेंट को जैसे कि 40-50 की एज का मेल है, डायबिटिक की हिस्ट्री है, तो इसमें निशा हरिद्रा चूर्ण जरूर दीजिएगा, वो डायबिटिक फूड या
ऐसे टाइप के एथलीट्स फूड के लिए बेस्ट काम करता है। पटोल कषाय भी है हमारे पास। तिक्त रस प्रधान चिकित्सा आपकी होनी चाहिए। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में तुअरक तेल, जात्यादि तेल, एक नारियल तेल घरेलू इसमें बहुत ही अच्छा काम, करंज तेल और नारियल तेल दोनों को मिलाकर लगाइए और अच्छा ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर आप इसमें कुछ मलहर कल्पना भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं पादधारी मलहम वगैरह लगाते हैं ना हम लोग, पादधारी में भी पाती काम है, वैसे गंधक मलहर मिलता है, बेस्ट फॉर फंगल इन्फेक्शन, जो खास करके इसी के लिए बनाया है गंधकाद्य मलहर। दूसरा एक जैसे तेल मिलेगा जहां पे पूजा कुजा कर बहुत ही रूखापन आ जाता है, वहां पर हम लोग लगाते हैं नल परमादि तेल, केरला में ये मिल जाता है। और फिर आप हल्दी एंड नीम का तेल मिलाकर भी लगा सकते हो। अपने नीम का काढ़ा बना दिया, उसमें 10 ग्राम हल्दी डालिएगा और आप क्या करिएगा, आपके पैरों को एक टब में लेकर पानी डालकर इसमें नीम का काढ़ा हल्दी डालकर इसमें डुबो कर रखिएगा फॉर 30 मिनट्स। बेस्ट सिंपल रेमेडी, आप ऐसे त्रिफला काढ़े में भी पैरों को डुबो कर रख सकते हो। आप ऐसे बाकुची एंड खदीर ये त्वचा रोगों के लिए बेस्ट होते, तो टब में गर्म पानी ले लिया और उसमें ये डाल दिए चूर्ण और बस रखिए पैरों को रख दीजिएगा। बाद में अच्छे से पैरों को सुखा दीजिएगा। पैरों को सुखाना और वियरिंग द लूज क्लॉथ्स, चप्पल का भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, आप उसको पैरों को ड्राई रखने के लिए कुछ अगर पाउडर वगैरह के जैसे भी यूज कर सकते हो, गीलापन ये करे, एब्सॉर्ब करे, ऐसे सिंपल वाला कोई भी ऐसे भी कर सकते हो वहां पर आप। इसमें कोई स्पेसिफिक आपको कंटामिनेशन हुआ होगा तो उससे भी आप ये करें। कुछ एथलीट्स फूड इसका नाम भी रखा, इसके लिए भी रखा है कि बहुत बार ये होता है स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट के साथ, स्पोर्ट्स खेलने जो लोग जाते हैं उनमें या जो एथलीट्स हैं उनमें भी हमेशा से ऐसे कारण से यानी स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो भी होता है। तो नहाने के बाद या जब भी आप पैर धोते हैं तो आप उसको जरूर इसको ड्राई अप करें। इसके साथ साथ आपको स्वेटिंग अगर बहुत ज्यादा आती है तो स्वेटिंग के लिए भी थोड़ा पित्त शमन चिकित्सा की तरफ ध्यान दे, लाइक चंदन सारीवा ऐसे भी करें। जो लोग हमेशा से ये करते उनके लिए, जो लोग हमेशा स्विमिंग या लॉकर रूम, स्विमिंग के यहाँ पे होते हैं ना लॉकर रूम्स वगैरह और बीचेस पे जाते या बेयर फूट चलते हैं ऐसे एरियाज में, तो उसको भी वो थोड़ा अवॉइड करें कुछ समय के लिए। यानी कहीं ना कहीं से हमें ये अवॉइड करना है कि फंगल इन्फेक्शन ना हो। आप जो भी साबुन यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो और जिसमें अच्छे तत्व हो, यानी जैसे नीम है या हरिद्रा है, खदीर है, जिसमें त्वचा फैशन या फ्रेग्रेंस के लिए सोप ना यूज करके एक अच्छा जैसे चंदन वाला या जो भी नीम वाला ऐसे जो एंटीफंगल प्रॉपर्टी वाला कोई साबुन भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। इसके साथ ही अपनी इम्यूनिटी को बनाए और जो आयुर्वेद में हेतु बताए हैं इसके लिए भी विचार करें। आप इसमें खुद से भी एक और अच्छा रेमेडी, यानी आप घर में भी तुलसी की चाय या तुलसी का काढ़ा, तुलसी में पुदीना डालिएगा, थोड़ा सा लौंग डालिएगा, लौंग पुदीना तुलसी शुंठी मिलाकर चाय पीजिएगा, ये भी एक अच्छी रेमेडी है फॉर कफ शमन के लिए। आप तुलसी के पत्तों को नीम पाउडर के साथ अच्छे से ये स्मैश करके या मिक्सर में उसका पेस्ट बनाकर और इसमें थोड़ा सा हल्दी डालिएगा, एकदम बेस्ट ये काम करेगा। तुलसी नीम और हल्दी आपके अफेक्टेड एरिया पर ये करिए, लगाइए, दिन में 2 बार करिए, 3 बार, कुछ इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, फायदा ही होने वाला है। और जितना आप खान पान में तिक्त रस का सेवन करें, छाछ का सेवन करें, लघु आहार का है और बाकी जो दिवासवाप वगैरह सारे जो हेतु है उन सभी को हमें अवॉइड करना है। शेयरिंग बंद करिएगा, जो भी चीजें आप अगर शेयर करने की आपको आदत है तो वो जरूर इसमें आप अवॉइड करिएगा। और ज्यादा हम आयुर्वेद में ज्यादा मुझे लगता है ऑप्शन है नीम के कैप्सूल, ककरमिन की कैप्सूल, इसमें केशर गुगुल भी दिया जा सकता है। केशर गुगुल में भी जैसे कि इसमें भी प्रॉपर्टी होती है ना कि रक्त की दृष्टि को कम करता है और इसमें अम्ल की हर्त की वगैरह है, वो भी पॉइंट ऑफ रसायन पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्लड प्यूरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे काम करते हैं। सो आई थिंक इसमें ऐसे ही सारे
सारे रेमेडीज दो जो त्वचा पर काम करते हैं इनका हमें विचार करना है, एंड इट कैन बी टेकन एज अ क्षुद्र त्वचा विकार। और आप इस प्रकार से ही इसमें सारी प्लान करिएगा। एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, वो भी एलोवेरा भी एक प्रकार से इन्फेक्शन के लिए काम करते हैं, मतलब ग्रोथ नहीं होने देती ईस्ट का। नीम के पत्ते वो भी काम काफी उसका अच्छा जो रोल होता है, नीम के पत्तों का काढ़ा, नीम के पत्ते आप जैसे भी लाइक नीम वटी या नीम का काढ़ा पीने में भी आजमा सकते हैं, पीने में भी इसका उपयोग हो सकता है। सो डर्मेटोफाइट ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो स्किन, नेल्स, फुट इन सभी एरियाज पर ये करता है। और ये हम सिंपल छोटे छोटे नुकसों से, छोटे छोटे तरीके से इसमें हम विचार कर, इसमें पित्त शमन, कफ शमन और तिक्त रस से रस धातु को अच्छा बनाएंगे, रस अच्छा बनेगा तो रक्त भी अच्छा बनेगा। और जो अगर आपको लगता है कि कफ पित्त लक्षण है तो पित्त शमन भी दे सकते हैं, काम दूधा वगैरह भी इसमें दिया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में जैसे डायबिटिक अगर है, स्थूलता अगर होती है तो उसमें आरोग्यवर्धिनी त्रिफला गुगुल, केशोर गुगुल, कटुकी, इनका भी अच्छा ये रिजल्ट मिल जाए, यानी ये वो दोनों पर काम करेगी। कृमि चिकित्सा जरूर करें, कृमि कुठार रस या कृमि मुदक रस, जो ओवरऑल आपके कोष्ठ को अच्छा क्लींस करेगा। निशा अम्ल की जरूर यूज करें जो अच्छी इम्यूनिटी के लिए भी है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट भी अच्छा इसका अच्छा देखा गया है निशा अम्ल की का। कुकुरमिन तो हम जानते हैं कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी बहुत ही है, सुंदर है। त्रिफला भी कफ शमन, रुक्षण कफ, त्रिफला जो वहां का क्लेद है उसको, जहां अतिरिक्त मॉइस्चर है उसको हटा देगा। सो त्रिफला इंटरनली भी दीजिए, त्रिफला आप काढ़े से धावन भी करवाई, थोड़ा एक लास्ट में जैसे कि कुष्ठग्न चिकित्सा ऐसे, और फिर नारिकेल तेल, और नारियल तेल में कपूर डालकर भी बेस्ट होता है। कपूर डालकर जो इसका कटू रस है ना वो क्लेद का शोषण करता है, और फिर कंडुकम, जैसे क्लेद हट जाएगा त्वचा से कंडुकम होगा, और फिर ये कटू रस माउस पर भी लेखन का काम करता है, माउस धातु भी, यानी जो पैचेस पड़े हैं ना उसको भी वो इलिवेट करेगा, कम करेगा। उष्ण वीर्य का जो विकल्प है वो भी कंडुग्न चिकित्सा करते हैं, उष्ण तिक्त कटु ये रस कंडुग्न है, और ये रक्त शोधन भी करते हैं, ये इसीलिए त्वचा में जो भी प्लेक्स बनते उसको ये हटा देते हैं। एंड फिर लाइक नारियल तेल तो त्वच बताया, आयुर्वेद में नारियल तेल त्वच है, इसीलिए हम लोग बालों में तेल लगाते हैं, और गाँव में तो लाइक लोग कोई मॉइस्चराइजर, कोई ऐसे फैंसी आइटम्स तो यूज नहीं करते, तो वो नारियल तेल ही लगा देते त्वचा को। ठंडी के दिनों में तो नारियल तेल बेस्ट होता है ना, वैसे ही सोचिएगा, नारियल तेल कपूर डालकर सभी प्रकार के त्वचा विकारों के लिए एक अच्छी रेमेडी मानी गई है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर विचार करना है। इसके साथ एक और बताऊंगी मैं कि आपको फीट को ड्राई रखते समय एसिड बेस बैलेंस भी रखिएगा। पानी में गर्म पानी लीजिएगा, एक जैसे टब में आपने ले लिया, और इसमें थोड़े से सिनामोम भी डाल सकते हैं, सिनामोम के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं ना उसको भी आप डाल सकते हैं, ये भी आपके इस इन्फेक्टेड एरिया से क्लेथ को हटाने के लिए बहुत ही अच्छे काम। फिर पेशेंट को टाइट वियरिंग सॉक्स वगैरह अगर हेतु मिल जाते तो वो भी हटा दीजिएगा। ओवरऑल हम इस प्रकार से उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे, पित्त कफ शमन का भी यहाँ पे विचार हम लोग करेंगे। और ऐसे अगर हम लोग काम करते हैं तो एथलीट्स फुट या ये जो टीनिया इन्फेक्शन है वो अच्छे से हम आयुर्वेद के तरीके से सिंपल साल्ट वाटर भी यूज किया जा सकता है, वो भी शोषित करेगा, क्लेद का शोषण करेगा। और शेयरिंग बंद करें, इसमें आयुर्वेद में जैसे टीनिया पेडिस को क्या बताया है, दुष्ट कर्म संस्पर्शात कंडु क्लेदान्वितांतरहा अंगुलो अलस्य मित्याहु, इसको अलस कहा है, अलस नाम है इसका, टीनिया पेडिस यानी अलस, जो कि मिट्टी, बैक्टीरिया और कृमि से होते हैं। और इसके देखिए हेतु भी यहाँ पे लिखे, इसके साथ कंडु और ये होता है, और इसीलिए इसको हम इसी प्रकार से टीनिया के लिए इसी प्रकार से विचार करें। आई थिंक बहुत सारी रेमिडीज यहाँ पर मैंने बता दी है, और वी कैन इजीली ट्रीट दिस सच टाइप ऑफ केसेस। और यही सारे द्रव्य या यही सारा विचार हमें
कोई भी टाइप का अगर हो, यानी नेल इन्फेक्शन भी हो तो भी कर सकते हो, कोई भी। यस मैम, बोलिए, आप सभी का भी इसमें विचार बताइए। यस मैम, बोलिए। सुचेता जी, मंदाकिनी जी, संपदा जी, माधुरी, डॉक्टर, सभी हमारे फेसबुक के दर्शक भी बताइए कि आप क्या यूज करते हैं। मेरे पास पेशेंट आती है तो कभी कभी तो इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में आता है पाँव उसका, तो मुझे तो उसको कभी कभी कैलाश जीवन भी अरे हम लोग दे देते हैं लगाने के लिए, हाँ, या फिर ऐसे क्या कहते हैं सोतमादि लेपा है, फिर ऐसे और भी आते हैं मैम, और कभी तो तुलसी जी को भी ऐसे ही क्रश करके बोल देते हैं लगाने को। बाकी सब तो मैम आपने बता ही दिया तो, और हाँ विरेचन तो दे देना ही पड़ता है इस कंडीशन में, और कभी कभी हमें एक एक टी सूक्ष्म शुक्ला का भी प्रयोग करना पड़ता है जब ज्यादा जैसे बर्थन कंडीशन होती है, और केसर गुडलू भी चलाना पड़ता है। यस मैम, बोलिए। हेलो सुचिता जी, आपका अनुभव। अर्शिया जी, मैम केसेस तो बहुत कॉमन आते होंगे ना आप सभी के पास। डॉक्टर सुचिता, अर्शिया जी, डॉक्टर सुवर्णा, शुभ्रा जी, आप क्या यूज करते हैं मैम, बोलिए। मंदाकिनी जी, शुभ्रा जी, अर्शिया, माधुरी, बोलिए। मैंने बता दिया एक्चुअली मेरा एक फोन आ गया था तो वो मैं बोल बातें कर रही थी। यस जी कुछ नहीं मैम, सारा आपने बता दिया है, बस कभी कभी ऐसा ज्यादा वर्सन कंडीशन हो जाती है तो कैलाश जीवन भी अप्लाई करके देख लेते हाँ, हैं। कैला जीवन का मैंने सुना था। हाँ कैला जीवन का सच में रिजल्ट आता है ना? हाँ मैम आता है, और एकेटी सूक्ष्म त्रिफला है वो भी यूज करते हैं ज्यादा खराब कंडीशन होती है, केशर गुगलू भी यूज कर लेते हैं, त्रिपटोल कटु रोहिण्या भी है, ऐसे प्लेन मैम किरात तितली दे देते हैं कि चलो एक करना शुरू करो, ऐसे यही सब। कटु रस और तिक्त रस इम्पोर्टेंट है इसमें ना एक्चुअली। हाँ मैम, लेकिन समटाइम्स जब ज्यादा रेडनेस होती है ना तो फिर बहुत दिक्कत करता है जी। रेडनेस में तो थोड़ा सा पेशेंट भी इरिटेट हो जाता है ना, क्योंकि ये थोड़ा स्प्रेड भी हो सकता है कभी कभी ना, जैसे, और और कभी कभी वो जो जो नहीं होता जो नए जो लड़कियां शूज ज्यादा पहनती हैं, जो टी वैलीज पहनती है ना, तो उनको भी वो नाखून जो अंदर घुसने लगता है तो वो समझ नहीं पाती है, उन्हें लगता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, बट उस टाइम में वो फंगल नहीं होता है, वो उन्हीं का ही जूता उन्हें हर्ट कर रहा होता है, तो फिर उस हिसाब से भी देख के ना चिकित्सा चलानी पड़ती है। यस यस एक्चुअली ना, जैसे ये ना थोड़ा महिलाओं में वैसे कम ही होता है,
एक पुरुषों में कंडीशन होती है, महिलाओं में बहुत ज्यादा होती नहीं वो कंडीशन, यही सेम कंडीशन होती है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है पेशेंट को ना, बहुत पूरे शरीर पर हो जाता है कभी कभी तो ऐसे। मैम महिलाओं में ज्यादा होता ही है पूरे शरीर में, और स्पेशली मतलब मैं किसी ऐसे को टारगेट नहीं करना चाह रही, लेकिन जो लोग ज्यादा पूरे कपड़े पहने होते हैं ना, मतलब एक वो भी पर्टिकुलर है। सोसाइटी के लोग जो होते हैं ना पूरे कपड़े, वो भी कपड़े उनके ऐसे ट्रांसपेरेंट से नहीं, काले रंग के या कुछ ऐसे डार्क कलर वाले ग्रीन, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, हवा वगैरह नहीं लगती है। और यस, लड़कियां जो उनमें टाइट वजाइन टाइट टाइप जीन्स का यीस्ट पहनती हैं, इन्फेक्शन ज्यादा होता है ना, टाइट जो जीन्स पहनती हैं। वो भी है, वजाइनल इन्फेक्शन ज्यादा होता है ना ऐसे में, अगर एक्सपोजर भी नहीं मिलता है और एक प्रकार का वहां पे बहुत ही ये हो जाता है, मॉइस्चर और स्वेट ही ज्यादा हो जाता है ना। इवन मैम हेड पे जो हम लोग देखते हैं, सिर पे भी बहुत अच्छे से हो जाता है, तो उसमें तो मैम धुर दुर्दुर पत्रा आदि तैलम बहुत अच्छा काम करता है, मतलब मैंने उसका अच्छा रिजल्ट देखा है। सिर पर अगर हो जाए तो बहुत खुजली है, वो एक अलग ही हो जाता है सिर पर के लिए तो, मुझे लगता है फिर वहां पे पूरा नीम तेल और कपूर वगैरह लगाना ऐसे सब कुछ करना पड़ता है। मैंने मरीचा आदि तेल भी यूज किया है, वो भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है सिर में। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को होता है तो उनका सिर मुंडन करा करके बोलते हैं हाँ मरीचा आदि यस, तेल लगाने और के फिर लिए। कृमिंगन चिकित्सा देना बच्चों में हाँ अगर हो वो जाए तो, भी कृमिंगन दर्द, हाँ दुर दुर पत्रा आदि तेलम काफी कॉस्टली पड़ता है, तो उस हिसाब से मरीचा कॉस्टली। आदि तेल काफी मतलब हमें सस्ता पड़ जाता है, तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें कफ का ही विचार करना है बेसिकली, कफ और वात दोष, बिकॉज कफ ही म्यूकस वाला है ना, एंड फिर लाइक कफ क्लेथ को भी ये करता है, क्योंकि पंचकर्मा वगैरह तो कोई इतना इसमें अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। हाँ ये बात है जरूर कि अगर इस ये नेल को हो जाए ना तो फिर पेशेंट को काम भी नहीं करने आता, इट्स रियली पेनफुल। अगर नेल पल हो जाए, नेल थिकनिंग हो जाते हैं तो ज्यादा खराब कंडीशन होती है, ये नेल नेल बेड को अगर इन्फेक्ट करे तो फिर आप और मैम नेल इन्वेस्ट। से होने के साथ साथ ही जल्दी जाता नहीं है, ये सालों तक बना रहता है, अगर एक बार नेल फॉल डाउन हो जाए तो फिर से दोबारा वही हो जाता है वो, तो है नेल का काफी। तो मैंने देखा एक दो लोगों का ना बहुत फैल गया था और तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है, अगर आप ही सोचिए ना, नेल को अगर हो जाए तो काम भी नहीं कर पाते ना कुछ। जी मैम बहुत वही, इसलिए मैंने आज सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा विचार करें, ये है सिंपल बट फिर भी थोड़ा विचार करेंगे तो और हमारे पास भी कुछ ऐसे आ जाता कि चलो भाई ये भी यूज करके देखे, ऐसे भी होता है ना। तो रक्त शोधक भी करना है और शीत पित्त के जैसे भी थोड़ा सा इसमें लक्षण मिल जाते हैं, ब्लिस्टर्स वगैरह, कभी कभी दाह रेडनेस वगैरह होती है, रेडनेस के लिए आप क्या सोचती है, कैसे करें विचार रेडनेस में? मैम, उसमें रेडनेस के लिए तो फिर वही हम केशव दुबलु है, मंजिष्ठा है, ये इस सारी पित्त शमन चीजें। का विचार करेंगे क्या नेल रेडनेस के लिए? हाँ मैम क्यों नहीं करेंगे, जब रेडनेस ज्यादा है तो पित्त शमन करेंगे। एक मेरे पास पेशेंट आई थी मैम, उसको रेडनेस काफी थी, डिस्चार्ज भी हो रहा था, ऐसे स्किन सी उतर भी रही थी उसकी, उसमें टोटल मैंने उसको विरेचन दिया ही दिया, और मतलब उसका जो केशव दुबलु मैंने चलाया था मैम वो बहुत अच्छा काम किया। फिर मैंने चेंज किया, एलादी तेलम भी दिया बदल करके, मरीचा आदि भी दिया, मतलब ऐसे ऐसे कुछ 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 चेंज चेंज कर करके लास्ट में फिर मेरे को ना वो बहुत धीमे से रिस्पॉन्स दे रहा था, फिर मैंने लास्ट में कैलाश जीवन लगाया तो तुरंत आराम पड़ गया उसको, तो ऐसे किया था मैंने। मल्हार कल्पना, अर्शिया बोलिए, आप कुछ बोलना चाहती थी? मैं डॉक्टर सुचेता मैडम कहाँ है आज, क्लिनिक में है क्या? हाँ जी मैम, क्लिनिक में ही हूँ। अच्छा पेशेंट है क्या? नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बोलिए कैसी है, बोलिए। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, अच्छे से समझ आया। और मुझे लगता है क्योंकि ये जो उसमें स्राव है या कुछ तो अंदर जो रुका हुआ मॉइस्चर कह लो या क्लेद कह लो वो है, तो हमें क्लेद हर जैसे आपने बताया कि तिक्त औषधियां वो उसमें बेस्ट रहेंगी, जिसमें कि क्लेद का शोषण भी होगा और जो उसकी लेयर्स में जहाँ पे हमें यूज वो भी कर सकते हैं, जो एज अ वैसे हम इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए देते हैं, जैसे मुझे लग रहा है हम सुदर्शन चूर्ण या माँ सुदर्शन घनवटी भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यस, दे सकते हैं ना तिक्त रस के लिए भी, या जहां अगर साथ में कभी बुखार वगैरह हो पेशेंट को तो भी चलेगा ना।
होता है कभी कभी, बच्चे अगर होते तो बुखार हाँ हो जी, सकता हाँ है। और यहाँ पे ना मेदो वस्त्र उतस, देखिए स्किन लेजन्स में है तो कहीं ना कहीं मेदो वस्त्र उतस दृष्टि का भी विचार हमें करना पड़ेगा, इसलिए आरोग्य वर्धिनी बेस्ट है। एंड आरोग्य वर्धिनी का फायदा ये होता है ना कि ये श्वेत पर भी काम करती है, क्योंकि मेदो धातु का ही मल है और इसमें कहीं ना कहीं श्वेत भी बड़ा है या श्वेत की विकृति है, तो इसलिए हमें श्वेत के लिए मेद धातु का विचार करें। तो मेदो पाचन भी दे सकते हो आप इसमें, जैसे अगर हाँ ठीक डायबिटीज वाला पेशेंट है तो मेदो पाचन का भी विचार करेगा इसमें जरूर आप ना। निशा अम्ल की तो मैंने बहुत ठीक है फिर, अच्छा, ठीक है, मुझे समझ आ डायबिटीज गया। में तो, डायबिटीज में तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और ना आप जैसे धावन और दिन में 3 बार और ये सारे ट्रीटमेंट चालू कर देते हो ना, तो तीसरे दिन ही आपको पेशेंट रिजल्ट देता है, बताता है पेशेंट कि नहीं खुजली कम हुई है, थोड़ा सा कलेद या स्त्राव जो था वो भी कम होता देखा जाता है। ठीक और कोई केस हो किसी की? आपका पेशेंट का कैसा है मंदाकिनी जी? मैम, आज जी तो मैम आसन काफी आज चीजें हैं इसमें क्लियर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, वन बाय वन बोलिए। आई नहीं क्या पेशेंट आज? मैम, आज आज जन्माष्टमी की छुट्टी है, बस हाँ सारे सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। कल अच्छा मैंने अच्छा ये उसको फोन करके बोल दिया था कि मैंने कहा ऐसे बस्ती देना है, तो बोली कि अरे बहुत पैसा लग जाएगा। मैंने कहा आप घर में ले लेना, एक दिन मेरे यहाँ ले लो, बाकी घर में ले लेना, देखते हैं मैम क्या है। वो बहुत ज्यादा लेजी टाइप के पेशेंट है, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि ब्लीडिंग हो रही है तो होने दो। सभी प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, सभी को सहना पड़ता है, सभी को देखना पड़ता है। तो फिर अभी शुरू से मतलब लगा था क्या है ये कैसे, लेकिन अब हमको भी आदत हो गया है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। सच बात है। और बोलिए आप और कुछ बोल रही थी सुचेता जी। हाँ जी मैम, हो गया, ओके ओके, हो गया। और किसी का कुछ विचार हो तो बताइए। देखिए इसमें एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ, तो हमें तिक्त रस का, कटु रस का एवं उष्ण वीर्य का क्लेद शोषण के लिए कफ शमन, पित्त शमन और मुख्य रूप से श्वेत पर काम करने वाले कुष्ठघ्न, कंडुघ्न, शमन एंड कृमिघ्न वाले द्रव्यों को यहाँ पर चुनना है। और आज के लिए तो हमने यहाँ पे फुट के लिए रखा था ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन, बट यही सारा प्लान आप कहीं पर भी अगर टिनिया या एनी टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन होता है तो प्लान कर सकते हो। हाँ अगर वजाइनल टाइप में या उस एरिया में कहीं पर थाइज में, एनस के आजू बाजू में अगर हो तो वहां पे थोड़ा सा प्लान बदल जाएगा, वहां पे हमें लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ अलग चीजों का भी विचार करना पड़ेगा। तो उसमें जैसे कि अगस्तियों में ये होता है वजाइनल इन्फेक्शन, तो ट्रीटमेंट प्लान पूरा ही बदल जाएगा। जैसे ये तो सारे ओरल तो ठीक है, बट लोकल में हमें फिर वहां पे जैसे कि धावन डिश का अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अब त्रिफला तो है, फिर पंचवल्कल का भी बहुत सुंदर है रोल इसमें, तो वहां पे ठीक तरह सेम तरीके से जो स्त्राव है इसका शोषण कर देता है और इन्फेक्शन भी कम होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा अलग विचार करना पड़ेगा। बट तो बाकी सारे जो नेल बेड वाला या स्काल्प वाला या शरीर वाला जो भी है, इन सभी में तो वही प्लान हमारा जो हमने डिस्कस किया है वही प्लान रहेगा। और इम्पोर्टेंटली पेशेंट को हाइजीन, इम्यूनिटी बढ़ाना और बाकी जो एक कॉमन कुछ ये होते हैं ना पॉइंट्स, जैसे कैसे उसकी केयर करना, फूड की केयर कैसे करना, वो भी आप इसमें जरूर उसको बताइएगा। और बिल्कुल मतलब पूरे अच्छे से नहाना, सोक करना, साबुन बदल बार बार बदल रहे क्या पे, तो छोटी छोटी बातें होती है बट कहीं से भी ये हो सकता है, और इसीलिए ये बहुत ही बड़ा वैरी नहीं है। बट जैसे मैडम ने भी बताया और मेरा भी अनुभव है कि जैसे मैंने कई लोगों को देखा कि वो नेल्स में हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत मेडिसिन खा खा कर और 4-6 महीने तक वो चलता है अगर नेल इन्फेक्शन हो जाए तो, और नेल थिकन हो जाते हैं, अलग वो सारी कंडीशन हो जाती है वहां पर।
बट टाइम लगता है जरूर उसमें। फिर मैम जरा सोप के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अक्सर पेशेंट आते हैं और हमारे पास ना कोई लोगों को नीम का साबुन तो सूट नहीं करता है, तो फिर हम ऐसे में कौन सा साबुन दे उन्हें? ये साबुन का थोड़ा रहता है। अभी मेरे विचार से जैसे साबुन को लेकर हर एक का अपना अपना ये है, कभी बस मुझे ये है ना कि जैसे कि जिस अगर आपको ऐसे मालूम हुआ कि या फिर आपने एक साबुन यूज करना शुरू किया और वही आप कंटिन्यू करिएगा, उसको बार बार ना बदले, या कहीं पर जाते हैं तो दूसरे का साबुन ना यूज करें। मेरा पर्सनली ऐसे कोई खास इसमें ये नहीं है कि कौन से साबुन का इस्तेमाल करें, बट मैं जरूर चाहूंगी कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में है हर्बल के नाम से या आयुर्वेद के नाम से, तो इसको हम यूज करके देख सकते हैं। और अगर ये भी हाँ वो भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हफ्ते में 1-2 दिन कम से कम डेटॉल या जैसे नीम के पत्ते तो पानी नहाने के पानी में डालकर वहां पे तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हो। चंदन वाला और जी इसका वाला मैंने लोग ज्यादा प्रिफरेबल किया है। मैम, मैंने एलोवेरा ग्लिसरीन का भी काफी अच्छा देखा, जिनको नींद वाला सूट नहीं करता तो वो भी अच्छा काम करता है। बाकी यस नींद का क्वाथ तो देते ही है, मतलब ये बोल देते हैं कि भाई नहाना है ये उससे। हाँ एक चंद्रिका करके भी आता है, काफी लोग इसको पसंद करते हैं चंद्रिका करके, खास करके लड़कियां जिनको पिंपल्स वगैरह होती है ना वो चंद्रिका साबुन यूज करती है ज्यादा। एक अच्छा, मेडिमिक्स भी आता है वो भी काफी चलता है। हाँ वो बहुत ड्राई कर देता है। मैंने वो भी यूज ज्यादा किया है ऑयलिंग वो। वाले लोग यूज करते हैं, जिनको चेहरे पर ऑयली फोड़े आते हैं ना उनके लिए वो ज्यादा थोड़ा हाँ सा प्रिफरेबल है। एक अभी जी अभी मैंने देखा ये भी आजकल आता है नागार्जुना का रक्त चंदन करके आता है, अच्छा, वो भी काफी पसंद किया जा रहा है। और जी दूसरा एक हल्दी का भी आता है ना मैम, इसका नल नल पमरा का भी शायद है, नल पमरा का भी है, और एक नेचर का भी आता है नीम और एलोवेरा का, जी तो वो भी देखा जा सकता है। पर्सनली मैंने कभी एक 2-3 छोड़कर ज्यादा यूज नहीं किया है, बट बाकी लोग कुछ यूज करते हैं तो ये मुझे पता है। जी और कुछ रामदेव बाबा जी का भी आता है ना, पतंजलि वाला का भी। मैम उनके नहीं अच्छे नहीं, मुझे तो उनका कोई रिस्पांस नहीं मिलता, और मतलब मरीज भी नहीं ऐसे बताते कि साबुन ऐसे प्रोडक्ट जो उनके ना ब्यूटी वाले हैं वो नहीं काम करते, दवाइयां उनकी ज्यादा अच्छी रहती है। हाँ, यस, और बिस्किट ज्यादा चलते हैं, बाकी मैंने भी कभी देखा नहीं किसी को। हाँ टूथपेस्ट भी चलता है ना मैम, टूथपेस्ट भी वो काफी। मैम बहुत बहुत गंदे होते हैं टूथपेस्ट, जिन लोगों को सूट कर जाते हैं उनकी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके दांत दांतों को नहीं करते फिर वो नहीं करते। हाँ हाँ वो भी होता होगा मैम, बिल्कुल। ये एक्चुअली मेरे घर में ही है, एक बहुत एक लोग और को एक ऐसे मैं मिलते। बताऊंगी ना इसमें, एक एक रिजल्ट मेरा अच्छा देखा था मैंने इसका, मुल्तानी मिट्टी का भी एक साबुन आता है यस वो, मैम यस, मोगरा का भी आता है, उनके में ही आता है पतंजलि हाँ तो वो आई थिंक की में। बेस्ट रहेगा मुल्तानी मिट्टी वाला जो है ना। वैसे तो जी हिमालया का न जाने कितनी कंपनियां हैं आजकल के इसमें, बट अभी हम लोग गारंटी से तो बोल नहीं सकते, उसको यूज करके ही देखना पड़ेगा कि कैसे विचार किया जाए, कैसे ये करे करके सूट होता है। मैम, एक मतलब ये जो है ना, क्या नाम है, गायत्री परिवार शांति कुंज वालों, इन लोगों ने गोमय साबुन भी मतलब ऐसे लाए हैं मार्केट में, तो उनका अच्छा गाय का बना हुआ शायद, वो तो मैंने देखा नहीं गाय के गोबर से किसे, लेकिन गोमय है वो, मुझे तो सब कुछ अच्छा मिला के है, पंच चीजों को मिला के शायद बनाया है, तो अच्छा वो देखना पड़ेगा उसको भी यूज करके देखना रहना। पड़ेगा। और किसी हमारे डॉक्टर को पता हो तो बताइए, सुवर्णा जी, शुभ्रा जी, आप आयुर्वेदिक साबुन के बारे में कुछ जानती हो तो। मैंने एक वीडियो देखा था हाँ यूट्यूब पर, हाँ उसमें ना वो कोई इंजीनियर्स है एमटेक वगैरह, वो लोग सोप बना रहे हैं ऐसे नेचुरल सोप, हाथों से ही वो लोग सब बना रहे हैं, उसमें मुल्तानी मिट्टी, चंदन, रोज पेटल्स, ऐसे सब आयुर्वेदिक कंटेंट्स डाल के, कुछ दालें, मसूर की दाल वो भी अच्छी होती है ना, वो सब मिक्स करके वो सोप बना रहे हैं। मैम वो तो आजकल क्या बताओ, अभी बोलना नहीं चाहिए ऐसे ऑनलाइन सब मीडिया पर, यूट्यूब पर तो कोई कुछ भी कर रहा है। हम सारे आयुर्वेद डॉक्टर छोड़कर बाकी सभी लोग आयुर्वेद का साबुन, तेल, फेस पैक, ये वो ब्यूटी प्रोडक्ट सब बना रहे, और शार्क टैंक वगैरह शोज में हमने देखा ना हाँ विदाउट आयुर्वेदा बेस्ड लोग आकर उसको मार्केटिंग कर रहे हो एंड ऑल सच गोइंग ऑन। अच्छा शुभ्रा जी ने डाला, देखिए निमेलिया सोप।
अच्छा मेडिमिक्स तो ठीक है। निमेलिया किस कंपनी का आता है? क्यूटिस। अच्छा मैडम काफी जानकारी रखती है शुभ्रा जी। निमेलिया मैंने तो कभी यूज नहीं देखा इसका, निमेलिया का और क्यूटिस। ओके थैंक यू, यूज करके देखिए अभी आप सभी लोग, अगर आपको ये लगा तो। बट ये थोड़ा सा सोचनीय भी है, मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक सोप कैसे यूज करें या कैसे सेलेक्ट करें, हाउ टू सेलेक्ट, बिकॉज बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो हम लोग सभी अच्छे से देख लेते हैं, बट सोप को लेकर तो मेरा ये दो चार ही मुझे ज्यादा मैंने देखा है लोगों को यूज करते हुए। बाकी ये तो और बहुत सारे भी होंगे, बट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम थोड़ा वीक है, लाइक यूज करने में वीक है, बताने में तो कुछ नहीं है, बट इतना ज्यादा ट्रायल्स लेना कभी सोचा नहीं। बराबर है वंदा की जी? चलिए फिर, चलिए इस बहाने थोड़े कुछ साबुन के नाम तो याद आ गए हमें आज। ओके तो आज के लिए रुकते हैं सुचेता जी। अच्छा क्यूटिस वासु कंपनी का है। ओके मैडम, ओके। तो इस प्रकार से आज हमने टीनिया पेडिस के ऊपर चर्चा की है, तो कल एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, शुभ्रा जी आइए कभी सेशन में हमारे, लाइव आप फेसबुक पर देखती है बट जूम पर जुड़िए कभी, तो आप भी जुड़ सकते हैं इस परिचर्चा में। और इसमें पार्टिसिपेशन के लिए गूगल फॉर्म भर के 9410379397 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो नमस्कार सर, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गोकुलाष्टमी की, त्योहार की। यहाँ तो छुट्टी नहीं हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, तो इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए नमस्कार।